नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज ये वीडियो उस बात पर है जिसका शायद आप इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ, वीडियो है आपके वेट लॉस के विषय में, ओबेसिटी को दूर करने के विषय में। होम्योपैथी में ओबेसिटी को दूर करने की कारगर दवाएँ हैं उस स्थिति में, ये मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जिस स्थिति में आप अपने को भी, जिन कारणों से आपका वेट बढ़ा है उन कारणों को खत्म करने के लिए आप इच्छुक हो, आपको तीन काम करने पड़ेंगे साथियों। पहला काम, आपको डाइटी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे होम्योपैथिक दवाएं आपकी हेल्प कर देंगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो दवाएं आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यह जादू नहीं है, यह जेन्युइन दवाएं हैं जो आप अगर अपनी मदद करेंगी तो ये दवाएं भी आपकी मदद कर देंगी। आज हम आपको बताएंगे ओबेसिटी को यानी मोटापे को ख़त्म करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको स्लिम ट्रिम बना देंगी और आपको बहुत सी बीमारियों, जिसमें सबसे अहम मैं नाम लेना चाहूँगा गठिया का और डायबिटीज़ का, क्योंकि जब आपका वेट बहुत होता है तो आपके पैरों पे जोर पड़ता है, एक्स्ट्रा पैरों पे जोर पड़ता है, तो जॉइंट्स का डीजेनरेशन होता है, इंसल्ट होती है, और फिर आपका जो सैनुअल फ्लूइड और जो कार्टिलेज डैमेज होती है उससे आपको आर्थराइटिस होती है। तो अगर आप वेट लॉस अपना कर ले गए तो आप गठिया से बच जाएंगे। दूसरा, अगर आपके बहुत वेट होता है तो यानी आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो डायबिटीज़ भी आपको वक्त के साथ होना संभावित है, तो वो ना हो हम ये चाहते हैं और इसीलिए हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, मोटापा होता क्या है। बड़ी कॉमन सी बात है, आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा मोटापा क्या होता है, मोटापा मोटा होना होता है। तो मोटापा वास्तव में मोटा होना होता है जब आप अपना डाइटी इंटेक, खास तौर से जो कम मेहनती लोग होते हैं जिन्हें दिमाग ज़्यादा चलाते हैं लेकिन शरीर कम चलाना पड़ता है, जब वो लोग डाइटी इंटेक ज़्यादा करते हैं और उनका कैलोरीज खर्चा कम होती है तो वही फैट एक्यूमुलेट होता है और वही ओबेसिटी होती है। मैं आपको एक तथ्य बताऊं साथियों, अगर आप 50 कैलोरी 10 साल तक लेंगे तो आपका 25 किलो वजन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। एक्स्ट्रा 50 कैलोरी अगर 10 साल तक रहते रहेंगे तो 10 साल में 25 किलो वजन आपका बढ़ेगा। तो ये ना हो, इसके लिए आप कैलोरीज को अपनी कम कर दें। क्योंकि देखिए, एक सबसे सरल बात यह है और सबसे सीधी बात यह है, किसी को भी ख़त्म करना है तो उस, मान लीजिए हम पैसे की बात करें, किसी को सड़क पर लाना है, वैसे तो मंशा नहीं होनी चाहिए लेकिन अपनी बात को रखने के लिए कह रहे हैं, किसी को ख़त्म करना है पैसे से तो उसके पैसे को खर्चा ज़्यादा करा दो और उसकी आमद कम हो, तभी वो दिवालिया होगा। इसी तरह अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी जो स्टोर्ड कैलरीज हैं उनको खर्चा ज़्यादा करना है और आपकी आमद यानी इनटेक कम करना है, वही वेट लॉस का सार है। मैं आपको दवा भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तथ्य बता दे रहा हूं कि दवाएं फेल ना हो इसलिए थोड़ी मदद आप भी अपनी करें। मोटापा दो तरह का होता है, एंडोजीनस एक्सोजीनस। एंडोजीनस तब होता है जब आपकी खिलाई पिलाई से आपको ज़्यादा खाते हैं और मेहनत कम करते तो आपका वेट बढ़ता है, और एक्सोजीनस तब होता है जब आपका बीमारियों से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से वेट बढ़ता है, जिस पे शायद आपका उतना बस नहीं है। आप लोग साथियों थोड़ा सा कंफ्यूज रहते होंगे, मैं उस कंफ्यूजन को भी आज ख़त्म कर देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति महंगे न्यूट्रिशन देने वाले जो आजकल लोग हैं उन तक नहीं जा सकता, तो मैं आपको मैथमेटिक्स या गणित समझा देना चाहता हूँ कि ये कैलरीज का क्या खेल होता है। होता क्या है साथियों कि 12 से 13 कैलरी पर पाउंड बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को चाहिए होती हैं। यानी आप अगर 140 पाउंड के हैं तो आपको 1800 कैलरीज चाहिए होंगी उस बॉडी को, वेट को मेंटेन करने के लिए, और अगर आप उससे कम कैलरी इंटेक करेंगे तभी आपका वेट गिरेगा। तो आप अपने वेट को देख लें वो कितने पाउंड का है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लें। 12 से 13 कैलरी पर पाउंड के हिसाब से आप अपने वेट को मल्टीप्लाई कर लें, वो जितना निकले इतनी कैलरी तो आप लेते हैं तो उतना ही वेट रहेगा, अगर आप कैलरी से कम लेंगे तो आपका वेट गिरेगा। तो आप अपने डाइट में
चीज़ों को देख सकते हैं कितना कैलरी, आजकल गूगल है, सब कुछ गूगल करके आप देख सकते हैं। हमें भी आप गूगल और यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग भी मिल रहे हैं, तो आप उसको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या खाएं जो आपको कैलरीज, जो आपके बॉडी को मेंटेन रहने के लिए चाहिए, उससे कम आप कैलरी का इंटेक हो। तो एक समस्या आपकी ये इस वीडियो में ख़त्म हो गई कि हम कितनी कैलरी लें, यानी कि आमद हमें कम करनी है और खर्चा ज़्यादा करना है। खर्चा करेगा आपकी मेहनत और आमद करेगी ये जो फार्मूला हमने आपको बताया है, इससे कैलकुलेशन करके आप जो करेंगे, और दवा आपको हेल्प करके जल्दी से ठीक कर देगी। बताते हैं साथियों, होम्योपैथी में वेट लॉस करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन उससे पहले आपको कह दें कि वेट लॉस, वेट गेन के तमाम कारण हो सकते हैं, मोटे होने के तमाम कारण हो सकते हैं, तो बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कोई दवा ना लें, उसे प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। टॉप दवा होम्योपैथी में जो वेट लॉस की है वह है कैल्केरिया कार्बोनिकम। अगर आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, मोटे थुलथुल और गोरे हैं, और आपके सर से पसीना बहुत आता है और एक्सट्रीमिटी से पसीना आता है, तो आपकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्ब का मरीज ठंडक बियर नहीं कर सकता, उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप के यहाँ सिम्टम है तो कैल्केरिया कार्ब निश्चित रूप से आपके वेट लॉस की बहुत अच्छी दवा है। इसकी दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, महीने दो महीने में आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो गया, आपका 10 से 12 किलो वजन कम हो गया, और आप अपने को बेहतर स्वस्थ महसूस करने लगे, आपके जोड़ों का तनाव खत्म हो गया, और आप जैसा चाहते हैं अपना फिगर और खूबसूरती, आप उसको रिगेन कर पा रहे हैं। एक अक्सर देखा गया है कि हम लोग के घर में महिलाएं या पुरुष, जब उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो ओबेस हो जाते हैं। तो अगर ओल्ड पीपल हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, और उनको वेट गेन हो रहा है, तो उनके लिए वेट लॉस करने की बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि उनको आर्थराइटिस से भी बचना है, इसलिए दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और दवा का नाम है काली कार्बोनिकम। आप काली कार्बोनिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस भी हो गया, यानी ओबेसिटी भी ख़त्म हो गई, और आप किसी क्रॉनिक दिक्कत का शिकार नहीं हुए। एक सिम्टम साथियों आता है ओबेसिटी की कंडीशन में, डिप्रेशन। आप कभी डिप्रेशन में रहें, अवसाद में रहें, तनाव में रहें, और आप महसूस करते हैं अब उसके कारण आपका वेट बहुत बढ़ गया है। इस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और उस सिम्टम को अगर आप डिप्रेशन के कारण ओबेसिटी को देख रहे हैं, तो उससे ओबेसिटी को कम करने की बहुत अच्छी दो दवाएं हैं। पहली है इग्निशिया अमारा और दूसरी है नेट्रम म्यूराटिकम। इग्निशिया अमारा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में रह सकते हैं जब आप समझते हैं कि आपका डिप्रेशन में तो है लेकिन आपका मूड चेंजेबल है, कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप खुश हो जाते हैं। तो अगर यह सिम्टम आप अपने में देखते हैं तो वेट लॉस करने की सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में इग्निशिया अमारा 30 है। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आपकी ओबेसिटी खत्म होने लगी। और दूसरी दवा इसी श्रृंखला में साथी है नेट्रम म्यूराटिकम। नेट्रम म्यूराटिकम ओबेसिटी और डिप्रेशन की उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपका जो डिप्रेशन है उसमें आप बहुत रोते रहे हैं, जब आपके वीपिंग डिस्पोजिशन हो, वीपिंग टेंडेंसी हो, और आज आप देख रहे हैं डिप्रेशन में बैठे बैठे आप मोटे हो गए, तो उस सिम्टम पे वीपिंग डिस्पोजिशन के सिम्टम को ठीक करने की और वेट लॉस करने की बहुत कारगर दवा नेट्रम म्यूर है। इसकी 1 mg की 3 खुराक आप वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस हो गया। एक हम लोग के घर महिलाओं में वेट गेन होता है जब उनका पीरियड डिलेड हो जाता है या पीरियड नहीं होता है। अगर वह स्थिति है कि उनका पीरियड नहीं हो रहा है, डिलेड मेंसेस है, और वो वेट गेन करती जा रही हैं, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फ्यूकस है। आप फ्यूकस का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम दे सकते हैं, इससे पीरियड भी नॉर्मल रेगुलेट हो जाएगा और आपका वेट लॉस भी होगा। एक साथियों बहुत कॉमन कारण जो वेट गेन का होता है वह है हाइपोथायरॉयडिज्म। किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसका वेट बढ़ा होता है, उस स्थिति में हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने और ओबेसिटी को ठीक करने की हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण 2 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है कैल्केरिया कार्ब और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम क्लेविडम। कैल्केरिया कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके बहुत ओबेसिटी हो गई हो, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो,
और आपको सर्दी बहुत लगती हो और आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, तो आप कैल्केरिया कार्ब 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया। और दूसरी दवा इसी श्रृंखला की हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ओबेसिटी होने की दूसरी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण वेट गेन हो रहा हो और मरीज को गैस बहुत बनती हो, पेट में हर समय गैस भरी रहती हो और मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद हो, तो आपकी दवा लाइकोपोडियम 30 है वेट लॉस के लिए। एक साथियों कंडीशन आती है कि आपके पूरे चेहरे पे सूजन, सुबह रोज उठते हैं और सूजन आ गई। एक तो आप ओबीस हैं, वजन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जब उठते हैं सुबह सूजन आ जाती है, गड्ढा बन जाता है अगर दबाओ, और इस स्थिति में आप वेट लॉस करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भी वेट लॉस करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फेरमिटैलिकम। आप फेरमिटैलिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस होने लगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, आपका RBC गेन होने लगे और आपकी जो पफी स्वेलिंग है, जो गड्ढा दबाव हो जाता है दबाने पर, वह भी खत्म हो गई। तो एनीमिक पेशेंट्स में वेट लॉस करने की बहुत अच्छी दवा फेरमिटैलिकम 30 है। फिर साथियों एक ओबेसिटी आती है, तमाम हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, बात होती है कि मेनोपॉज की कंडीशन आई और उसके बाद जो है वह ओबेसिटी हो गई। इस कंडीशन को भी ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है साथियों ग्रेफाइटिस और दूसरी दवा है सीपिया। ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर है मेनोपॉज के कारण होने वाले या उस दौरान होने वाले वेट गेन की, कि जब आपको वेट गेन के साथ मेनोपॉज के साथ कब्जियत भी होती हो, कॉन्स्टिपेशन भी होता हो, तो उस स्थिति की बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस। और दूसरी दवा जब आपको मेनोपॉज हो और आपका वेट गेन हो रहा हो, तो दवा उसको ठीक करने की है सीपिया। सीपिया उस कंडीशन में बहुत अच्छी दवा है जब आपको बियरिंग डाउन से सेंसेशन हो रहा हो, लग रहा हो सब कुछ आपका यूट्राइन रीजन से आपके बाहर आ जाएगा, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा सीपिया है। फिर साथियों एक कंडीशन आती कि आपको डायबिटीज़ है और ओबेसिटी है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है और साथ में आपको ओबेसिटी और आपका डाइजेशन बहुत वीक रहता है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में उस कंडीशन में वेट लॉस करने की, डायबिटीज़ के कंडीशन में वेट लॉस करने की बहुत अच्छी दवा है कार्ल्सबैड। आप कार्ल्सबैड यह दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यह दवा लेने के बाद आपका वेट लॉस भी हो गया और आपका ब्लड शुगर पे भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। तो कार्ल्सबैड का आप इस्तेमाल करके डायबिटीज़ की कंडीशन में और अपने इनडाइजेशन की कंडीशन में भी अपने को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक और स्थिति आती है जब हम देखते हैं कि मरीजों में वेट गेन हो गया और वो बड़े चिंतित होकर हमारे पास आती हैं जब उनको PCOD की शिकायत है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की, उससे वेट गेन हो गया है। तो अगर आपको PCOD की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कारण वेट गेन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला। आप पल्सेटिला 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका PCOD के कारण होने वाले वेट गेन में आपको राहत मिल गई और आपका वेट लॉस होने लगा और आपका पीरियड भी रेगुलेट हो गया। पल्सेटिला सबसे बेहतरीन दवाओं में से है जो आपको पीरियड रेगुलेट कर देती है नैट्रमयूर और कैल्केरिया कार्ब के साथ। फिर एक सिम्टम आता है साथियों ओबेसिटी में कि पूरे शरीर में दर्द है, पूरे शरीर में कहीं यहाँ ऐठन हो रही, कहीं यहाँ खिंचाव हो रहा और इस तरह के सारे सिम्टम हैं। तो अगर आपके पूरे बॉडी में पेन हो और आपके बहुत ओबेसिटी हो गई हो, तो उस ओबेसिटी को ख़त्म करने का, वेट लॉस करने का और उस पेन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है साथियों कैप्सिकम। आप कैप्सिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। या कैप्सिकम एनम जो दवा है यह आपके वेट को लॉस कर देगी और आपके बॉडी के पेन को, माइल्जिया को पूरी तरह ख़त्म करके आपको स्वस्थ बना देगी। फिर एक ओबेसिटी का आयाम आता है साथियों जब आपके बटक और थाई रीजन में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो गया, आप परेशान हैं, आप चल रही हैं तो आपके थाईज आपस में टकरा रही हैं और रगड़ हो रही है और उससे एलर्जीज हो रही हैं और बटक रीजन बहुत भारी हो गया जिससे कि आपको आगे आर्थराइटिस होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो अगर यह स्थिति आपके हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं।
और दवाओं का नाम है नेट्रम्यूर म्यूराटिकम और लाइकोपोडियम क्लेविटम। नेट्रम म्यूराटिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में आप ले सकती हैं जब आपके थाइस और हिप रीजन में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो रहा हो, आपको नमक की बड़ी क्रेविंग हो, आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत हो, उस स्थिति में आप इम्पल्सिव हो, उस स्थिति की दवा नेट्रम्यूर है। और लाइकोपोडियम उस कंडीशन में वेट लॉस की बहुत अच्छी दवा है थाइस और बटक से। जब आपको हमेशा पेट खराब रहता हो, गैस बनी रहती हो, लोअर एब्डोमेन में गुड़गुड़ाहट होती हो, गैस की गर्जलिंग होती हो और मीठी चीज़ें आपको खाना पसंद हो, अगर वो सिम्टम है तो आपकी दवा लाइकोपोडियम है। आप लाइकोपोडियम 30-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। एक कंडीशन साथियों ओबेस पेशेंट में आती है कि हमेशा उनको खट्टी डकारें आती रहती हैं, मोटे होते हैं, थुलथुल होते हैं, खट्टी डकारें आती रहती हैं, इनडाइजेशन की स्थिति बनी रहती है। तो अगर आपके या सोर बेल्चिंग हो रही है, एक सिम्टम है आप में और आपको ओबेसिटी है, तो उसको ठीक करने उस सिम्टम को अगर सही दवा हो पाई, आपने पकड़ लिया, तो उस स्थिति में आपके फैट को कम करने की बहुत अच्छी दवा अमोनियम म्यूराटिकम है। आप अमोनियम म्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके सोर इरेक्टेशन बेल्चिंग भी ख़त्म हो गई, आपका डाइजेशन भी ठीक हो गया और आपका वेट भी लॉस होने लगा और बहुत जल्दी आपका वेट काफ़ी लॉस हो गया। अब एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके जो है ऊपरी हिस्से में वेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत भारीपन आ गया हो और पैर आपके पतले हों, वो भी एक ओबेसिटी का आयाम है क्योंकि वेट तो बढ़ा ही एवरेज वेट से, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूडम 30 2-2 बूंद अगर दिन में 3 बार आप ले लें, आप देखेंगे कि जो आपका अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर बॉडी के पार्ट्स में फैट ज़्यादा इकट्ठा हो गया वो ख़त्म हो जाएगा और आपका बॉडी एक जैसा ही गहरा हो जाएगा। एंटीम क्रूड 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें और आप अपने वेट लॉस कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है, बहुत पेशेंट साथियों आते हैं कि बच्चों का वेट बहुत बढ़ गया है, बच्चे हमारे बहुत बल्की दिख रहे हैं, यह कंडीशन आती है। तो अगर यह स्थिति आप अपने में घर में किसी को देखते हो कि बच्चों का वेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो उनके वेट को कम करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बराइटा कार्ब। आप बराइटा कार्ब 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, आप देखेंगे कि बच्चे का वेट धीरे धीरे कम होने लगा। साथ में आप एंटीम क्रूड और कैल्केरिया कार्बोनिकम 30 का भी सिम्टम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपका चिकित्सक आपको बताएगा। फिर एक कंडीशन आती है साथियों की ओबेसिटी है और साथ में आपके हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस कंडीशन को होम्योपैथी में वेट लॉस करने की इस सिम्टम के साथ बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम मेटालिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस भी हो गया और आप का जो है स्वस्थ हो गए, आपका ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है ये भी ख़त्म हो गया, आपके हार्ट के ट्रबल्स भी कम हो गए, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगा और आप अपने में राहत महसूस करने लगे। अब साथियों आपको एक बड़ी करिश्माई सी बात बताते हैं कि आपको वेट भी लूज करना है, ओबेसिटी को कम करना है लेकिन वेट को लूज़ नहीं करना है, इसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। ओबेसिटी का मतलब क्या है कि आप अपने फिगर को वही मेंटेन रखना चाहते हैं लेकिन आप चाहते थोड़े हल्के हो जाएं, इसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैलेट्रोपिस। अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करे बिना अपनी ओबेसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फ्लेस को ख़त्म होकर शरीर को प्रॉपर करना चाहते हैं, बेडॉल शरीर को प्रॉपर करना चाहते हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप कैलोट्रोपिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस हो, ओबेसिटी ख़त्म हो गई लेकिन आपका फ्लेश उतना ही रहा, बस वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक करने की दवा है साथियों कैलोट्रोपिस। अब साथियों वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे वेट लॉस करने की 2 करिश्माई रेमेडी, वो रेमेडीज़ जो आपका वास्तव में वेट लॉस कर देंगी। आपको बेसब्री होगी, आप ये 2 मदर टिंचर ले लीजिए। पहली दवा है एस्क्यूलेंटाइन और दूसरी दवा है फाइटोलाइन। आप एस्क्यूलेंटाइन और फाइटोलाइन का मदर टिंचर ले लीजिए और 20-20 बूंद ये दोनों सुबह शाम पीजिए। आप देखेंगे कि आपका किस स्पीड से वेट लॉस हो रहा है, आप भी अचंभित हो जाएंगे। एक बार आप करके देखिए। ये कुछ साथियों दवाएं थी वेट लॉस की, ओबेसिटी को ख़त्म करने की। मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये दवाएं
बिना कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि दवाएं सिम्टम भिन्न हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन में। आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख के हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपको संतोषजनक जवाब देने में बहुत प्रसन्नता होगी। आपका हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, और इस हवन में एक तरह से कहूँगा अपनी आहुति देने के लिए, क्योंकि आपने अपने वक्त को लगाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो साथियों, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारी बीमारियों का। अगर यह समाज से जाएगी तो यह समाज स्वस्थ होगा। धन्यवाद।